बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ने देखा कि φ इज इक्वल्स टू फाइव इज इक्वल्स टू ई कॉस्ट ठीटा ना सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इस टीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे जैसा कि यहाँ पे तीन केसेस दिए हुए हैं पहला जो केस है वो टीटा की वैल्यू जीरो और नाइन्टी के बीच में लाई कर रहे हैं तो चलो हम लोग मान के चलते हैं कि टीटा की वैल्यू जीरो ही हो गई ठीक है सो कैन आई सेट बच्चे कॉस जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू बन हो जाती है सो वी कैन से दैट फाइव इज इक्वल्स टू ई डी एस सिमिलरली बच्चे वी कैन ऑल्सो से दैट वेन टीटा इज इक्वल्स टू नाइंटी डिग्री सो कॉस नाइंटी इज जीरो सो वी कैन से दैट फाइव इज इक्वल्स टू जीरो अच्छा सो दिस इज फर्स्ट केस दिस इज द सेकेंड केस और बच्चे थर्ड केस में क्या हो जाएगा सो इन थर्ड केस वी कैन से दैट फाइव इज इक्वल्स टू लेट इक्वल्स टू और सॉरी टीटा इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो वेन वी से दैट इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो फाइव विल बी इक्वल्स टू बच्चे नेगेटिव सो इट विल बी नेगेटिव ई डी एस यहां तक समझ में आ गया सो हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोज ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल दैट यू Understand. So let's move ahead नेक्स्ट अ वेरी important टॉपिक बच्चे सॉलिड एंगल ठीक है सॉलिड एंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब गॉस थ्योरम की बात करेंगे बच्चे सो गॉस थ्योरम के केस में सॉलिड एंगल पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब ये सॉलिड एंगल होता क्या है ध्यान दीजिएगा सपोज़ फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर मैंने एक इरेगुलर शेप कंसिडर किया सपोज ये इरेगुलर शेप है यहाँ पर हम लोग ने चार्ज रखा यहां पे हम लोग ने चार्ज रखा नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज बचे वी वॉन्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए और सपोज इस पॉइंट को हम लोग ने नाम दे दिया पॉइंट पी ठीक है और इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी यहां से कुछ डिस्टेंस होगा सो so, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा ढंग से बना देते हैं इसको दिस एंगल इज कॉल्ड एज बच्चे सॉलिड एंगल इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल और ये जो एलिमेंटल एरिया दिख रहा है ना आपको ये डीएस हो जाएगा दिस एरिया विल बी डीएस

जिसको हम पढ़ेंगे किसमें थ्री डायमेंशन में पढ़ने वाले ठीक है सो so, इस अगर डायग्राम्स को आप अगर ध्यान से देख रहे हो सो so दिस बच्चे दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल ठीक है सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज सबस्टेंडिंग दिस आर्क डी एस ये जो एंगल है वो क्या सबस्टेंड कर रहा है इट इज इट इज सबस्टेंडिंग एन आर्क डी एस सो दिस एंगल दिस दिस डी ओमेगा अस कॉल दिस एज डी ओमेगा बोलते हैं सो डी ओमेगा इज सबस्टेंडिंग दिस आर्क डी एस सो वी कैन सेंगल इज थ्री डायमेंशनल इक्वलेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी टू डायमेंशनल प्लेन एंगल ठीक है इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है एंड दिज आर सप्लीमेंट्री एंगलिट इज स्टर रेडियंस ठीक है ना दिस सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाई एन एरिया एलिमेंट डी एस एट द सेंटर ऑफ अर ऑफ रेडियस आर इज सो इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हम लोग एंगल को डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं या फिर डी ओम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं ठीक है तो वहां पे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और आपको पता है बच्चे ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर पाई सो ये हो जाएगा आपका फोर पाई रेडियंस ध्यान से एक बार देख लेते हैं सो डी एस थीटा आर स्क्वायर अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम इसको अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया सो दिस विल बी ओम ओनली सिमिलरली इफ एल से डी एस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ठीक है सो विच आंसर विच इज इक्वल्स टू फोर बाई रेडियंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम ध्यान से सुनना है थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में दो मार्क्स के लिए पूछते हैं ये लोग ठीक है सो इज आस्क्ड फॉर टू मार्क्स और इवन फॉर थ्री मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए ठीक है नाउ इन गॉस थ्योरम बच्चे वी कैन से दैट जैसा मैंने बताया था कि अगर सपोज ए स्पियर है यहां पे हम लोग ने चार्ज रखा है क्यों एंड वी वॉन्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट लेट लेटस सी दैट दिस इज आर ये एंड इफ यू कैन वी से दैट दिस इज एलिमेंटल एरिया ये हमारा एलिमेंटल एरिया लेट लेटस कॉल दिस एरिया एज एडीएस दिस एंगल इज डी ओमेगा कोई दिक्कत नहीं दिस इज प्लस सॉरी प्लस चार्ज क्यूब नाउ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार एंड डी एस आर ऑन द सेम लाइन व्हाट आई वांट टू से दैट यहाँ पे जो डी एस है और जो ई e बार है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे जीरो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है

इज इक्वल्स टू डी एस इंटीग्रेशन सिर्फ एल इंटीग्रेट बच्चे तो ये फाइव हो जाएगा ई e बाहर आ जाएगा कॉस्टिटैक वैल्यू वन हो जाएगी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एंड वी टॉक अबाउट डी एस बच्चे दिस इज विल बी द अगर सपोज ये डी एस है या फिर अगर ये डी एस है तो इस पूरे डी एस को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो विल गेट द एरिया वट विल गेट बच्चे एरिया ऑफ द स्पीयर समझ में आई बात है अगर मैं इस छोटे से डी एस को इंटीग्रेट कर दूं तो वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर आधी बात समझ में ओके सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन दिस सो कैन आई से द टोटल चार्ज अकूमलेटेड ऑन द सर्फेस इज इक्वल्स टू वन अपॉन नॉट टाइम्स ओके सो वी कैन से दैट द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सर्फेस इन हाइपोथेटिकल सर्फेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टाइम्स द नेट चार्ज ओके सो फाई इज इक्वल्स टू क्यू वन अपन एप्स ऑन नॉट क्यू सो द सर्फेस इंटीग्रल मतलब वॉट एवर मिल बी द टोटल चार्ज एकुमुलेटेड ऑन द सर्फेस ध्यान से सुनना बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल चार्ज एकुमुलेटेड ऑन द सर्फेस इज इक्वल्स टू 1 upon mu, mu epsilon naught, sorry, 1 upon epsilon naught times d s. Okay, is equals to phi d s. So now suppose if you want to find the proof for this. So as I said, d phi is equals to d E d E D S. So E is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught q by R square. We know this. Now integration of DS. I am writing here the answer is D phi is equals to e ds. So, d phi is equals to E is 1 upon 4 pi epsilon naught and this will be q by r square and the ds. Now, integration of ds is nothing but d phi is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and this is q ds upon r square. Now, if we will integrate this ds, so we can say that it will be फोर पाई आर स्क्वायर बिकॉज दिस इज अ स्पीयर एंड द एरिया ऑफ स्पीयर इज पाई व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्पीयर बच्चे इसको एक बार वापस मैं लिख समझाता हूँ सो पाई इज इक्वल्स टू बच्चे डी फाइव इज इक्वल्स टू ई कॉस्ट हीटा डी एस सो टोटल कैन बी रिटर्न इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई कॉस्ट हीटा डी एस सो इट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ समझ में आ रहा है सबको ई कॉस्ट हीटा डीएस ना अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी कम फाइव ई e बाहर चले जाएगा थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सो इफ विल इंटीग्रेट दिस डी एस सो विल गेट बच्चे पाई इज इक्वल्स टू ई इन फोर पाई आर विल गेट फोर पाई आर सिमिलरली बच्चे फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अच्छा ये छोटा आर है तो, तो आपको भी छोटा आर लिखना पड़ेगा राइट कैपिटल आर और स्मॉल आर इट्स टोटली अप टू यू सो फाइव टू बच्चे एंड यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वाई फोर बाई कैंसल एक आर एक आर कैंसिल तो फाइव इज इक्वल्स टू बच्चे हो जाएगा वन अपॉन एप्सलॉन नॉट वन अपॉन एप्सलॉन नॉट क्यू सो आ गया हमारा आंसर फाइव इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सलॉन नॉट आंसर तो यही हो गया बच्चा हमारा गॉस्लॉ तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, द फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू टाइम्स वन अपॉन एप्सलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज फॉर टू टू थ्री मार्क्स किसी को कोई दिक्कत है वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगेन बच्चे लोग सो अ क्वेश्चन इज प्रूफ ऑफ गॉस गॉस्थेरम फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप सो यू नो एज आई सेड सपोज यहाँ पे अगर हम लोग ने एक सरफेस ले लिया चलो इसको मैं पहले हटा देता हूँ ठीक है सो वी कंसिडर दिस सर्फेस नाउ दिस इज द एंगल डी डी थीटा और सॉरी डी ओमेगा

Now if we write this, QDS upon r square. Now if we integrate this, so we'll get DS cos theta upon r square. But Ds, this DS cos theta upon r square is nothing but 4 pi. यहाँ पे substitute कर दोगे, so you will get the value. अगर इसको एक बार ढंग से अगर आपको देखना है, तो देख लो यहाँ पे फटाफट color change कर देता हूँ pen का ताकि e easily visible रहे

बाई आर स्क एंड दिस नथिंग बट डी एस कॉस्ट्रीटा डीएसटा नी नो दैट डी एस कॉस्टिटा अपॉन आर स्क्वे इज नथिंग बट फोर बाई तो पहले हम क्या करेंगे उसको सेपरेट कर देंगे सो फाइव इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एप्स लॉन नोट Is equals to. Affair yeah, one upon four pi epsilon naught, and this will be integration. Q ko be bar mein nikal de daun, ds cos theta upon r square, but this whole value is nothing but bacha four pi. So phi is equals to Q upon four pi epsilon naught, and this will be four pi. We cancel.

So this is something about the Gauss law. So what we did, we just took d phi is equal to E D S, Then we took one upon four pi epsilon 0, because we know that e is equals to one upon four pi epsilon naught q by r square. Then ds. So integration of ds is nothing. Uh, ds cos theta upon r square is nothing but four pi. So we substituted and got the value. Now the next part. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो दिस इज ऑल्सो थ्री मार्क्स सो ना बच्चे इसके अंदर हमें क्या करना है वी हैव टू डिड्यूज द कुलम्स लॉ फॉर द गॉस्थियरम पहले हम लोग ने कुलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ा था कि कुलिम्स लॉ होता क्या है ना वी विल डिराइव द टर्म्स फ्रॉम द गॉस्थियरम बाई यूजिंग द गॉस्थियरम सो वी नो दैट बच्चे कि फाइव इज इक्वल्स टू सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सलॉन नॉट सो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस क्यू अपॉन एप्सल नॉट सो ई को बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एंड डी एस इज नथिंग बट द इफ आई विल एड दिस होल सोलट गेट द एरिया ऑफ इक्वल्स टू फोर पाई आर स्क्वायर सो ई विवल्स टू क्यू अपॉन फोर बायस ठीक है फॉर अनदर चार्ज इट विल बी एफ इज इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट फोर बायसलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वा आई होप दिस इज क्लियर एक बार इसको वापस में बता देता हूँ लिख के आपको ताकि ईजिली समझ में आ जाए सो स्टूडेंट्स वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस्ट्यूटेड या ईडीएस विच इज इक्वल्स टू क्यू ओपन नॉट ये हमें पता है सो फाइ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सर्फेस ई डी एस विच इज इक्वल्स टू क्यू ओपन एप्स नॉट दिस यूट स्टूड ना वी कैन से दैट फाई इज इक्वल्स टू ई को बाहर निकाल दो क्लोज इंटीग्रेशन of d s is q upon epsilon naught. So now what is the value for e? So we can say that e is equal e into 4 pi r square q upon epsilon naught. So e will be equal to bache q upon 4 pi epsilon naught r square. So when we place it another in another charge in vicinity if you are placing in अनदर चार्ज सो वील गेट बच्चे एफ इज इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट ऑन फोर पाई बाईस नॉट आर स्क आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन